अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से हाजिर हैं एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम यह है -3 पावर x इज इक्वल टू 3। इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं एक्स की क्या कीमत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस प्रॉब्लम को मैं दो तरीकों से सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं मेथड नंबर वन से, ठीक है। तो देखो -3 पावर x इज इक्वल टू 3। तो यहां पर -3 है, इनको हम लिख सकते हैं -1 क्रॉस 3 होल पावर x इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हमारे पास रूल है, वो ये है कि ab होल पावर x इज इक्वल टू a पावर x एंड b पावर x। इसका मतलब यह है कि जब कोई डिफरेंट दो बेसिस हो और इनके ऊपर एक ही पावर हो तो वो पावर दोनों के ऊपर होता है। तो यहाँ पर -1 क्रॉस 3 है तो ये दोनों के ऊपर पावर x हो जाएगा। सो -1 पावर x डॉट लिख लें या क्रॉस लिख लें 3 पावर x इज इक्वल टू 3। अब आप जानते होंगे हमारे पास एक आयलर आइडेंटिटी है, ठीक है। तो आयलर आइडेंटिटी कौन सी है और किस तरह, यानी e पावर i π + 1 इज इक्वल टू 0, इनको आयलर आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। तो e पावर i π + 1 इज इक्वल टू 0, तो लिख लेते हैं e पावर i और साथ में पाई, और ये पॉजिटिव है, इस साइड पर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो नेगेटिव वन है इनकी जगह हमने ये लगाना है, ठीक है। तो देखो e पावर i π होल पावर x डॉट 3 पावर x इज इक्वल टू 3। अब हमारे पास एक और ला है, वो यह है कि x पावर a होल पावर b इज इक्वल टू x पावर a एंड b। इसका मतलब यह है कि जब कभी किसी बेस के ऊपर दो पावर्स हो तो दोनों पावर्स प्रोडक्ट होते हैं। तो इस e के ऊपर दो पावर हैं, एक i पाई है, दूसरा x है। तो इन दोनों पावर्स को प्रोडक्ट करके ये हो जाएगा e पावर i π और साथ में x डॉट 3 पावर x इज इक्वल टू 3। अब यहां पर लॉग लेता हूं, नेचुरल लॉग, ठीक है। तो ln e पावर i π x डॉट 3 पावर x इज इक्वल टू, यहां पर ln ली है तो इस साइड से ln 3 हो जाएगा। अब हमारे पास लॉगरिथम का एक रूल है, वो यह है कि ln a b इज इक्वल टू ln a प्लस ln b, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं प्रोडक्ट की फॉर्म में हैं, इनके ऊपर लॉग अप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा ln e पावर i π x प्लस ln 3 पावर x इज इक्वल टू ln 3, ठीक है। तो लॉग का तरीका यह है कि अगर आपको पावर दिखाई देता है तो पावर पहले आ जाता है, या फिर यू कह सकते हैं एक रूल है, यानी लॉग a पावर x इज इक्वल टू, ये एक्स फिर पहले आ जाता है और लॉग a, ठीक है। तो ये i π x ये पहले आ जाएगा और साथ में ln e प्लस, और यहां पर x पहले आ जाएगा ln 3 इज इक्वल टू ln 3, ठीक है। सो अब देखो i
एक्स और एलेन ई की कीमत जो है वो हमेशा याद रखिएगा कि वो 1 की इक्वल होता है, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा प्लस एक्स एलेन 3 इज इक्वल टू एलेन 3। अब यहां पर जो है एक्स है, यहां पर एक्स है, तो एक्स को कॉमन लेते हैं तो एक्स कॉमन हो जाएगा इंटू आई पाई प्लस एलेन 3 इज इक्वल टू एलेन 3, ठीक है। सो एक्स इज इक्वल टू एलेन 3 डिवाइड बाई, ये डिवाइड में आ जाएगा ये सारा आई पाई प्लस एलेन 3। सो ये रहा हमारा फर्स्ट रिजल्ट मेथड नंबर 1 से। अब सॉल्व कर लेते हैं मेथड नंबर 2 से, इनको भी देख लीजिएगा कि मेथड नंबर 2 से इस क्वेश्चन को कैसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो फर्स्ट मेथड के साथ हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब स्टार्ट कर लेते हैं मेथड नंबर 2 से, ठीक है। तो देखो माइनस 3 पावर एक्स इज इक्वल टू 3, तो उसी तरीके से माइनस 1 क्रॉस 3 होल पावर एक्स इज इक्वल टू 3। तो माइनस 1 की जगह अब मैं कुछ और लगा लेता हूं। आप जानते हैं कि अजोटा स्क्वायर जो है वो नेगेटिव 1 की इक्वल होता है, तो इस नेगेटिव 1 की जगह अजोटा स्क्वायर लगा लेता हूं। तो अजोटा स्क्वायर साथ में 3 होल पावर एक्स इज इक्वल टू 3, इनको तरतीब देता हूँ, 3 पहले लिख लेता हूँ, 3 अजोटा स्क्वायर होल पावर एक्स इज इक्वल टू 3। अब फिर से लॉग लेता हूँ, अब लेते हैं कॉमन लॉग, ठीक है। तो इस साइड से लॉग 3 अजोटा स्क्वायर होल पावर एक्स इज इक्वल टू, इस साइड से लॉग ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इस रूल के मुताबिक लॉग ए पावर एक्स इज इक्वल टू एक्स पहले जाता है और लॉग ए, ठीक है। तो ये एक्स जो है पहले आ जाएगा और साथ में लॉग 3 अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 3, ठीक है। तो देखो फिर से यहाँ पर एक रूल अप्लाई हो रहा है। रूल ये है कि लॉग इनटू ए बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी। सो एक्स और इनके ऊपर ये अप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा लॉग 3 प्लस लॉग अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 3, ठीक है। तो देखो एक्स इंटू लॉग 3 प्लस इस रूल के मुताबिक ये 2 पहले आ जाएगा और साथ में लॉग आई हो जाएगा इज इक्वल टू लॉग 3। सो एक्स इज इक्वल टू लॉग 3 डिवाइड बाई, ये सारा ही साइड पैकर डिवाइड में आ जाएगा लॉग 3 प्लस 2 लॉग अयोटा। सो ये रहा हमारा सेकेंड रिजल्ट मेथड नंबर 2 से। तो इन दोनों रिजल्ट को आप देख लो, ये है फर्स्ट मेथड के साथ और ये सेकेंड के साथ, तो इनमें आपको डिफरेंस दिखाई देता है या फिर नहीं, और ये भी कमेंट करके बताइएगा कि इन दोनों में से मेरा कौन सा रिजल्ट ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि दोनों रिजल्ट्स 100% ठीक है और आप चेक भी कर सकते हैं। सो ये था हमारा आज का प्रॉब्लम। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।